करवाया भाई। तो अभी भी बंदे यहाँ पे आके बोल रहे हैं भाई हम तेरे घर नहीं जा सकते, गलत है या नहीं कमेंट करके बताओ। बिल्कुल नहीं लग रही है, हाथ ठंडे होंगे सिर्फ, बाकी जैकेट गीला। यहाँ से तो नहीं गाड़ियाँ निकल सकती, इधर ही रहने दे। लगा दो 4x4। अभी मैच का भी लूटर लेने और साथ में मैगी भी, ना पक्का चक्कर मानना तो पड़ेगा भैया। अभी आप ना मानने वाली बात ही नहीं है क्या? वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आपका भाई भी एकदम से मस्त है। सो आज का व्लॉग देख सकते हो, आज भी उसी टूटी फूटी रोड से स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब आज तो बहुत ज़्यादा बुरी हाल है इस रोड का ना। लास्ट टाइम जब मैं आया था और तब फिर ना ठीक थी रोड, और आज ना बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। और आज का हमारा प्लान है, इस टाइम टाइम हो रहा है 4 बज रहे शाम के, और अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स शाहदरा शरीफ। और मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे 2 कज़न जा रहे हैं, ये सामने से आगे जा रहे हैं बुलेट पे। सो मैं अकेला ही हूँ क्योंकि हमने नेट पे तो चेक किया था, बारिश तो नहीं थी तभी हम निकले थे, और अब अचानक से बारिश हो गई है यार। सुरनकोट का मौसम है अभी ना। हम पहुंच चुके हैं बफलियाज, और ये सामने रास्ता जा रहा है मुगल रोड वाली साइड, और हमने राइट टर्न ले लेना जो कि हम जा रहे हैं शाहदरा शरीफ जो बाय रजौरी, ये रास्ता रजौरी भी जाता है, और यहाँ से हमने टर्न ले लिया। और ये ना हमें सिंगल रोड मिलेगी, और ये भी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे भी चल रहा है। सुनने में आया कि ये रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इस बुलेट वाले को बोलते हैं थोड़ा खींच भाई मेरे, हाँ सर्दी भी लगनी स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे टॉप पे जाएंगे ना वैसे वैसे सर्दी बहुत लगेगी। सो टोटल डिस्टेंस है सुरनकोट से शायद सिर्फ 60-70 के बीच। तो कोई ना बारिश नहीं होनी चाहिए, बाकी तो मज़ा आएगा। ज़ियारत पे ना एक बंदे से भी मिलना है, वो भी एक व्लॉगर है। आप सब में भी आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे उसको, डीजर शफीक नाम करके बंदा है। उससे मेरी रात को बात हुई थी, वो बोल रहा था भाई आना मिलेंगे, सो उससे भी मिलते हैं। और अभी पहुंच चुके हैं हम कुछ ऐसी लोकेशन पे, और सामने जंगल देख रहे हो, ये जंगल में अगर मैं खो गया रात के 12 बजे तो क्या होगा? तोबा तोबा, इधर आता ही नहीं मैं 12 बजे। और अपनी हालत देखना, ओह शूज़ की हालत देखना, और सीट की हालत देखना पीछे वाली, ये मडगट ना होने के कारण ये सब हुआ। और बैग बता देता हूँ मैं आपको, बैग बचा हुआ है, या ये देख सकते हो बैग की क्या हालत है ना। घर जाके वॉश करेंगे, वापस आके क्या हालत की हुई है पेड़ों की। मतलब लास्ट टाइम जब मैं आया था तब तो बिल्कुल साफ था, और मुझे आए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, और इतने में देख सकते हो हालत क्या बुरी की हुई है। मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब, पूरे जितने रोड पे पेड़ थे सारे पेड़ काट दिए हुए, ये हाईवे के चक्कर में ना पेड़ काट के ना तो ऐसी की तैसी की हुई है पेड़ों की। अब तो एक ट्रक भी आ जाए उसको पास देने की जगह नहीं बनती। अभी आ चुकी है बारिश, जिसका डर था वही हुआ। बचपा है, और कैमरा में उतार रहा हूँ इस टाइम। ओ शिट 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 शिट, मेरे को दिख ही नहीं रहा कुछ। अभी हम पहुँच चुके हैं DKG टॉप पे, और ये रही अपनी बाइक, और यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत तेज़, जिसने हमारी हालत कर दिया ख़राब। और अभी हमने वो नीचे जाना लगा, हाथ ठंडे होंगे सिर्फ, बाकी जैकेट गीला हो गया था मैंने उतार के रख दिया। और सामने पहाड़ों पर बर्फ देखो। टीके जी टॉप पे हमने रुके थे, एक एक कप चाय लिया हमने और पकोड़े साथ में, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। निकलने लगे सामने पहाड़ों पे ना, फ्रेश स्नोफॉल हुई है। और अभी देख सकते हैं रोड कितनी मस्त दिख रही है, मतलब जैसी ये दिख रही है ऐसी ही रोड अपने शाहदरा शरीफ तक हो तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि अब पीछे तो रोड की आपने हालत देखी है बहुत बुरी हुई थी, बट यहाँ पे वाह क्या रोड है यार, कसम से पूरी रोड ऐसी हो तो मज़ा आ जाएगा। ये देखो खुश खुश रोड दिखी खुश, भाई साहब थोड़ा जल्दी चल लो, आगे भी नहीं हुई बस, खुशी खत्म, बाय बाय टाटा होगी खुशी, अब रोड वैसी आ गई है। ओ आगे फिर है, आगे फिर है, वो देख तेरी बात तो सुनो भाई। और भाई भाई सुनाओ भाई यार, कहीं टूटी है कहीं अनटूटी है। सही बोला रे भाई। जैसे पीछे रोड ठीक थी वैसी ही रोड आगे खराब हो चुकी है, 2 गाड़ियां स्टक हो गई हैं यहाँ पे, वो भी बहुत बुरी तरीके से, और अपनी बाइक भी स्किट कर रही है। अब सो गिरे ना बस, यहाँ से तो नहीं गाड़ियाँ निकल सकती। व्लॉग तो अच्छा बना था बट रास्ता ही बंद कर दिया चाचू ने, मसला खराब है यहाँ पे। ये 4x4 है, लगा दो 4x4।
ओके सर थोड़ी होता है क्रीम पोट सारा वो तो लड़कियां खड़ी थी पल्ला हो रहा उधर थोड़ी मिट्टी डाल दे सूखी सूखी लड़कियों का क्रीम पोट सारा उतर गया भाई सही अपना बुलेट वाले भैया बुलेट वाला बो रहा था नहीं भाई बुलेट बुलेट अब देखते हैं बुलेट क्या कर रही है आगे। अभी हम पहुंच चुके हैं मैगी मोड़ जो कि ये डीकेजी वाले रास्ते में पड़ता है। बाइक की हालत देखना और अपनी हालत उससे भी बदतर। अभी हम पहुंच चुके हैं मैगी मोड़ जो कि यहाँ की मशहूर मैगी पॉइंट है। यहाँ पे इस जगह को ना मैगी पॉइंट बोला जाता है। ये मैगी मोड़ मतलब मोड़ है और यहाँ पे भैया नहीं अंकल मैगी बनाते हैं। और क्या मैगी बनाते हैं मतलब इस बंदे को ना बोल रहा था घर पे हम अभी तैयार हो रहे थे ये बंदा बोल रहा मुझे सपना आ गया यार मैगी मोड़ जाके मैगी खाएंगे। और इस बंदे को ना बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ की मैगी बट मुझे भी पसंद है हर किसी को पसंद है यहाँ पे मैगी खाना। सो मैक्सिमम जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही होगा यहाँ पे मैगी कितनी प्यारी बनती है। जो कोई नया बंदा सुरनकोट से मेरी वीडियो देख रहा है कभी शादा जाते थे यहाँ पे मैगी ट्राई करना चाचा मैगी बनाता है यार कसम से प्यार चाचा के लिए लव। तो अभी मैगी के लिए ऑर्डर कर दिया हमने मैगी बनेगी और फिर यहाँ से निकली खराब। तो अभी मैच का भी लुत्फ ले रहे हैं और साथ में मैगी भी आ गई है। अभी मैगी खा ली हमने खाली मस्त बनी थी। सो अभी रोड बीच में ख़राब है बीच में ठीक है। और अपने शरीफ भाई ना अभी तक वेट कर रहे हो बोल रहे भाई कब आएगा जल्दी आ जा मुझे घर लेट हो रहा है। सो वो भाई कब से मेरा उधर वेट कर रहा है। तो जल्दी जल्दी साहब बस निकल चले यहाँ से और जल्दी पहुँचते हैं भाई के पास। अब पता नहीं ज़्यादा लेट हो जाएंगे यार पता नहीं यहाँ से आगे कितना टाइम और लगना अब एग्जैक्ट पता भी नहीं है। सो अभी हम पहुँच चुके हैं थन्ना मंडी इंटर कर चुके हैं और अभी शाम हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा और आगे दिख भी नहीं रहा होगा आपको कुछ। सो सीधा शारदा शिव चलते हैं और शवीक भाई ने अभी तक हमारा वेट कर रहे हैं बोल रहे हैं भाई जल्दी आ जा भाई तेज चलो यार। पहुंच चुका हूं मैं शारदा शरीफ और यहां पे तो लाइटिंग देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है और अपने शवीक भाई आगे वेट कर रहे हैं कहीं पे। अभी उनको करते हैं कॉल और पता करते हैं वो कहाँ पर और फिर आगे निकलते हैं। बड़ा लेट करवाया भाई कसम से रोड आ रहा हूं लेकिन ये कभी नहीं मानने वाले कर रहे हो गाइस बंदे ने पूरे 2 घंटे वेट भाई अपने 2 घंटे वेट करवाया भाई। तो अभी भी बंदे यहां पे आके बोल रहे हैं भाई हम तेरे घर नहीं जा सकते गलत है या नहीं कमेंट करके बताओ गाइस। बिल्कुल गलत है लेकिन ये दोनों नहीं मानने वाले और इंशाल्लाह फिर कभी जब मैं अकेला आऊंगा ना पक्का चक्कर मारना तो पड़ेगा भैया। अभी ना मानने वाली बात ही नहीं है कि आप ना मानो नहीं रात को इधर रूम लेंगे इधर आओ आप भी रात को मारते हैं गपशप बैठते अच्छा ज्यारत पे पहुंच चुके हैं ये रही सामने शादरे शरीफ ज्यारत। सो अभी हम बहुत नीचे हैं अभी जस्ट अंदर इंटर हुए मेरी बाइक शरीफ भाई लेंगे। अभी वो बोल रहे हैं घर से मैं खाना बना के लाऊंगा आपने खाना हमारे साथ खाना है माशाल्लाह। अभी हम ज्यारत पे पहुंच चुके हैं और दोबारा ज्यारत अभी शाम के टाइम है सो अभी लंगर में जाएंगे कुछ खाएंगे जो बना होगा। तो बाकी ज्यारत पे ज़्यादा वीडियो बनाने देते नहीं तो अभी मैं कैमरा छुपा के इस साइड से वीडियो बना रहा हूँ। टू ड्रीम इलेवन पे पैसे आ रहा कितने पॉइंट आए एंट्री वापस आई ये इधर ड्रीम इलेवन पे अपना लक आजमा रहे। सो ज़ियारत पे पहुंच गए थे अभी अभी हमने रूम रखा नहीं है अभी शवीक भाई भी आ चुके हैं और हमने अपना बैग और हेलमेट लिया है और अंदर चलते हैं। सांस फूल लगी मेरी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है अंदर से तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है थोड़े रूम छोटे बट नहीं अच्छे के 12 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो का करता हूँ यहाँ पे एंड ऑफ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ तब तक के लिए गुड बाय।